और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। जय हिंद भाई सभी को। तो कैसे सभी, उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो भाई देखो, अभी एक SDM है ज्योति मौर्य, उनके बारे में आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, YouTube, Facebook, Instagram कहीं ना कहीं तो देख ही लिया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वायरल है उसकी जो स्टोरी है, और आपने देखा या नहीं देखा, लेकिन आप फिर भी ये वीडियो ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना, कम से कम एक शेयर तो आप कर ही देना। ठीक है, मैं बहुत ही कम वीडियोज़ में ऐसा कहता हूँ, ठीक है, उसी वीडियो में कहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो होती है उसमें ये बातें बोलता हूँ। SDM ज्योति मौर्य जो कि SDM बने सिर्फ अपने पति की वजह से, उसके पति जो हैं जिला पंचायत में एक छोटी सी नौकरी करते हैं, जिसमें से उसने अपनी सैलरी में से ज्योति मौर्य को पढ़ाया लिखाया और इतना पढ़ाया कि वो एक SDM बन गई, और वही SDM आज उस पति की अपने पति की जान लेने को घूम रही है। ठीक है, मतलब आज उसको जान से मारना चाहती है, तो क्या होगा इस देश का? जब पढ़े लिखे लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये क्या भाई, ये अनपढ़ लोग क्या करेंगे? पढ़े लिखे ये ऐसे कर रहे हैं, पढ़े लिखे SDM बनकर जब वो ऐसी हरकतें कर रही है तो अनपढ़ लोगों का क्या होगा? और उसका एक भाई है सचिन मौर्य जो कि उसके पति के पीछे गन लेकर घूमता उसको जान से मारने के लिए, और उसने जो ये भाई जो उसका पति है उसने उनको रंगे हाथ पकड़ लिया था, जो एक कमांडेंट ऑफिसर हैं मनीष मौर्य नाम है उनका, उनके साथ उसने रंगे हाथ पकड़ लिया था। अब भाई जो बंदा आंखों से खुद देख रहा है अपनी से, तो मतलब दूसरे कहने पर विश्वास करे ना करे, लेकिन खुद आदमी आंखों से देख लेता है ना, तो भाई विश्वास अटल बन जाता है। ठीक, आपने ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब भाई देखो, उसने मतलब वो किसी की बेटी थी, उसने किसी की बेटी समझा या अपनी पत्नी समझा, कुछ भी समझ कर एक लड़की थी तो उसको पढ़ाया और SDM बनाया। अब उसके हालात देख लो भाई, उस भाई का रो रो कर बुरा हाल है। आपको मैं वीडियो भी दिखा दूंगा उसकी, उसकी 8-9 साल की एक लड़की है, उससे उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है तो सिर्फ ये इसीलिए कि उसको जान से मार दिया जाए। और उसकी जो पत्नी है ना, वो उसके जिला पंचायत अधिकारी जो हैं उनसे अपील करती है, मतलब वो अब वो तो SDM है, उसका पद ऊंचा है, तो ऊंचा तो पद क्या यार, ऐसी हरकतें कर रहे हैं ये, क्या पद ऊंचा होगा इनका? उनसे वो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अपने पति की जॉब भी हटवानी चाहती हैं, जिस जॉब से उसने उसको SDM बनाया। उसकी 8-9 साल की बच्चे उससे नहीं मिलने दिया जा रहा है, जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस पत्नी ज्योति मौर्य को उसने SDM बनाया, उसने आज उस पर केस लगा दिया दहेज उत्पीड़न का, और उसको कॉल करके कहती है कि ये सारा झमेला आप हटा लो, जो ये केसबाजी मामले जो चला रहे हैं, वरना मैं जान से मरवा दूंगी आपको, यही कहती है वो। दहेज का केस लगवा दिया। अभी एक फौजी भाई, उनके साथ भी ऐसी हालात हुई हैं, उनकी पत्नी ने खैर ऐसा नहीं किया, उसकी भी वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा, उसके ऊपर भी कुछ दहेज उत्पीड़न का ऐसा केस लगाया गया है। अब उसको फौज से भी बाहर कर दिया गया 4-5 साल के लिए। तो ये क्या है कि मतलब इस ज्योति मौर्य उसको कॉल करती है और कहती है कि केस हटा लो आप, वरना जान से मरवा दूंगी। जिला पंचायत अधिकारियों से बातें करती हैं कि इसका जो जॉब है ये हटवा दो। आप ये वीडियो देखो एक बार, उस भाई का बुरा हाल है, रो रो। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम, और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा, और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास को पकड़ लिया था, तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। देख लिया भाई, मतलब इस दुनिया में ना इंसानों के बीच तो इंसानियत है नहीं है, इंसानियत बची है कुछ परसेंट लोगों के बीच बची है, कुछ अब जो कहते हैं ना पढ़ लिख कर इंसान की सोच बदल जाती है, क्या सोच बदलेगी यार, ये सोच बदल रही है यहाँ पे ऐसी। तो भाई देखो, इंसानियत बची नहीं है, जानवरों के बीच इंसानियत मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं इनके बीच इंसानियत है ही नहीं है। ठीक है, और तो क्या ही कहें भाई। जय हिंद।